नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। पंचांग के अनुसार आज 15 नवंबर 2021 सोमवार को कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। सोमवार को चंद्रमा का गोचर मीन में है। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना है, ग्रहों की चाल का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो आइए आपको बताते हैं आज के राशिफल में। चलिए शुरुआत करते हैं फिर सबसे पहले मेष राशि से। आज के दिन मानसिक रूप से आप बहुत कूल रहने वाले हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति बहुत एक्टिव है, जिससे आप छोटी छोटी बात को लेकर क्रोधित हो सकते हैं। अनावश्यक रूप से क्रोध रक्षा बढ़ा सकता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पहले से है तो बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। डेटा सेविंग को लेकर अलर्ट रहें। मोबाइल और लैपटॉप का बैकअप लें। यदि जीवन साथी अपने स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या बताए तो उसको लेकर चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके सेहत का ख्याल रखें। फिर भी आराम ना मिले तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। जीवन साथी को पेट से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। वृषभ राशि, आज के दिन मानसिक तौर पर दबाव रहने वाला है, वही अधिक क्रोध करने से बचना होगा, नहीं तो आक्रोश में आकर अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। ऑफिशियल कार्य ना बनने पर चिंता रहेगी, जिससे खामखा ही उलझनों में फंसकर कार्य को बिगाड़ सकते हैं। लोहे का कारोबार करने वालों के लिए दिन अच्छा है, साथ ही कारोबार से संबंधित किसी भी प्रकार की प्लानिंग करना अच्छा रहेगा। वर्तमान समय में चल रहे ग्रहणीय स्थिति को देखते हुए बाहर का भोजन खाने से परहेज करें, क्योंकि पेट में इन्फेक्शन होने की आशंका दिखाई दे रही है। किसी ज़रूरतमंद परिवार की मदद करें। मिथुन राशि, आज के दिन आपकी कुशल प्रबंधन क्षमता बहुत काम आएगी। ऑफिशियल वर्क में आपकी दक्षता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली होगी। कार्य को लेकर जिम्मेदारियां बढ़ेगी, जिसको लेकर आज तैयार रहना है। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आज से ही कार्यों की रूपरेखा बनाकर चलनी चाहिए। जिन लोगों को अनाज से संबंधित व्यापार है, उन्हें आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। बढ़ता हुआ वजन कई रोगों को न्योता दे सकता है, इस पर अलर्ट रहे। पिता की बातों को अनदेखा ना करें, आपसे नाराज हो सकते हैं। घर में लगे पेड़ पौधों की सेवा करना उत्तम रहेगा। कर्क राशि, आज के दिन कुछ समय खाली बैठे, क्योंकि मानसिक तौर पर खुद को फ्री रखें। अत्यधिक दबाव लेना ठीक नहीं। ऑफिस या फिर खुद घर पर कुछ बदलाव करने के लिए कई दिनों से सोच रहे हैं, तो उस पर दूसरों से चर्चा की जा सकती है, ताकि समय आने पर उसे सुचारू रूप से पूरा किया जा सके। जनरल स्टोर पर व्यापार करने वालों को लाभ होगा। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे। आप यदि किसी एलर्जी से ग्रस्त है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। घर में बच्चों के साथ पुनः स्टडी मटेरियल को पढ़े, यानी बेसिक नॉलेज को बढ़ाने का भी समय चल रहा है। सिंह राशि, आज के दिन पूजा पाठ करने में मन लगेगा। यदि किसी कारणवश पूजा छूट गई है तो आज से प्रारंभ कर देना चाहिए। ऑफिशियल कार्य को पूर्ण करने में फोकस करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में कारोबार बढ़ता जाएगा। कारोबारियों के लिए दिन लगभग सामान्य रहने वाला है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के और भी तरीके खोजने होंगे, जैसे ऑनलाइन ई बुकिंग आदि। सेहत में जिन लोगों को लगातार वजन बढ़ रहा है, वह लोग घर पर ही एक्सरसाइज और योग करते रहे। परिवार से संबंधित कोई निर्णय लेने में बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा, साथ ही उनके साथ कुछ समय व्यतीत करना आपके लिए उत्तम रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन जहाँ एक और वरिष्ठों से पिछली गलतियों पर डांट मिल सकती है, तो वही दूसरी ओर स्नेह भी प्राप्त होगा। ऑफिशियल कार्यों को लेकर सजग रहना चाहिए। नकारात्मक ग्रहों की स्थितियां गलतियां करने के मूड में है। एक बात का ध्यान रखना है कि टीम में किसी की गलती पर बहुत अधिक क्रोधित ना हो। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनको दूसरों की लापरवाही पर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। सेहत की बात करें तो बहुत ठंडी वस्तुओं का सेवन ना करें, कोल्ड होने की आशंका है। जीवन साथी की लगातार चली आ रही मांग को पूरा करना चाहिए। तुला राशि, आज के दिन सभी क्षेत्रों में पैनी निगाह बनाए रखनी होगी, तो वही दूसरी और मनचाहे कार्य पूरे होंगे। ऑफिस में कोई नया काम दिया जाए तो उसमें कमियां तलाशने के बजाय उसको पूरी लगन के साथ करना चाहिए। विदेश नौकरी में जाने के लिए अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनको लेन देन के मामले में सतर्क रहना होगा। विद्यार्थियों को यह समझ थोड़ा भी आलस्य उनके परिणाम पर भारी असर करेगा। रोगों में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन खान पान का ध्यान देना होगा। हो सके तो पौष्टिक आहार का सेवन करें। बहन छोटी है तो उसकी संगति पर ध्यान दें। वृश्चिक राशि, आज के दिन रिश्तेदारों और मित्रों से बात कर मन प्रसन्नचित करें। मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। ऑफिस में काम करते समय होने वाली गलतियों पर निगाह रखनी चाहिए और टीम को स्किल करने के लिए प्लानिंग भी करनी होगी। देरी से सम्मिलित व्यापार करने वालों को लाभ होगा। युवाओं को बिना सोचे समझे बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। सेहत में खान पान में निर्णय
नियमंत्रण या फिर नियंत्रण रखने के साथ साथ आपको व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार के सभी लोगों को आनंद लेना होगा, घर में कोई मनोरंजन भी कर सकते हैं, विवाह योग्य लोगों का विवाह तय हो सकता है। धनुराशि, आज के दिन महादेव की आराधना से अवरोध दूर होंगे, जिससे मन में शांति और सकारात्मक विचार आएंगे। दिमाग लग्जरी को और आकर्षित होगा। ऑफिस के कार्य में परफेक्शन लाने की कोशिश करेंगे तो निसंदेह लाभ देखने को मिलेगा, साथ ही उसके अधिकारियों में भी वृद्धि की संभावना है। व्यापारिक वर्ग अनावश्यक झगड़ों से बचने का प्रयास करें, अन्यथा कोई अनजान व्यक्ति आपके कारोबार में डेंट मार सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डी संबंधित समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं, फ्रैक्चर होने की भी आशंका है। जीवन साथी और मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, ऐसे में अपने दिल की बात साझा करें। मकर राशि, आज के दिन सत्य या असत्य की खोज किए बिना निर्णय लेना महंगा पड़ने वाला है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उनके प्रयास जारी रखने होंगे। कारोबार में यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो प्लानिंग मजबूत रखनी चाहिए, तो वही दूसरी ओर सूझबूझ अच्छे लाभ दिलाएगी। विद्यार्थी वर्ग को कुशलता और परिचय देना होगा, आने वाली प्रतियोगिता के लिए तैयार है। जो युवा सैन्य विभाग में जाने की तैयारी कर रहे हैं उनको प्रयास बढ़ा देने चाहिए। हेल्थ को लेकर एलर्जी के चलते परेशान होना पड़ सकता है। घर परिवार में धार्मिक वातावरण होगा। पूजा पाठ कराने की सोच रहे हैं तो दिन शुभ है। कुंभ राशि, आज के दिन अंडर कॉन्फिडेंस की कमी के चलते नए कार्यों को पूरा करने में आपको समय लग सकता है। ज्ञान को अपडेट करने के लिए कोर्स आदि करने का सही समय है। ऑफिशियल कार्य यदि आप घर से ही कार्य कर रहे हैं तो पूरा टाइम कार्यों पर देना चाहिए। कारोबार में कोई बड़ा परिवर्तन होने की आशंका बनी हुई है। हेल्थ में कान में दर्द होने की आशंका है, जैसे कान में पानी चला जाना, कीड़े का काटना भी हो सकता है। प्रेम और मीठी वाणी को हथियार बनाकर रिश्तों को प्रसन्न रख सकते हैं। साथ ही संभव हो तो पूरे परिवार के साथ मिलकर शिव की आराधना करें। आखिरी में हम बात करें मीन राशि की, तो बता दें कि आज के दिन दूसरों के भड़कावे में आने से बचें। यात्रा के दौरान किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना महंगा पड़ सकता है। आप यदि काफ़ी लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो आज उस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से अच्छा तालमेल बनाना होगा, नहीं तो वह नाराज़ हो जाएंगे। सेहत में जिन लोगों को रक्तचाप की समस्या है उन्हें अधिक क्रोध करने से बचना चाहिए, अन्यथा रोग की चपेट में आ जाएंगे। अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थितियां विवाद कराने वाली चल रही है, इसलिए अपनों के साथ विवाद से बचना चाहिए। आज का राशिफल आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।